हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त योगी। सो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज का जो व्लॉग रहेगा, तो आज मैं एक जो मेरे फेवरेट फिल्म मेकर है, बचपन में उनकी मूवीज देख के बहुत कुछ इंस्पायर हूँ, बहुत कुछ सीखा हूँ उनके जैसे। मतलब आज जो उन्होंने मुझे मीटिंग दी है, तो अभी मैं पुणे से मुंबई को जा रहा हूँ, इसमें आपको मोटो व्लॉगिंग भी मिलेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो, जिससे इससे आगे आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। और वीडियो कैसी लगती है ये नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो फाइनली मोबाइल का सेटअप हो गया मोटो व्लॉगिंग के लिए। तो अभी सुबह के बजे 10 और राइड की शुरुआत होती है। गणपति बप्पा मौर्या, मंगल मूर्ति मौर्या। तो अभी सबसे पहले जो काम करना है अपने को, गाड़ी में पेट्रोल भरा लेते। तो आज सोचा कि अभी वो गाड़ी को हम हमेशा चलाते, ये गाड़ी खड़ी है बहुत दिन से, तो इसे भी थोड़ा घुमा के लाएंगे। और इसका नंबर प्लेट भी मुंबई का ही है, तो इसे थोड़ा घुमा के लाएंगे। वो ये हिसाब से मैं आज इसको लेके जा रहा हूँ। अभी इसमें पेट्रोल भरेंगे अंदाजे से। अभी ये गाड़ी एवरेज मेरा भाई बोलता है कि 60-70 तक देती है, तो मैं 60 पकड़ के चल रहा हूँ कि ये गाड़ी 60 का एवरेज देगी मुझे। तो अभी अंदाजे से 5 लीटर इल ना कैसे नहीं। चलो थैंक यू। अभी यहाँ से शॉर्टकट मार के जाना पड़ेगा मुझे। ये गाड़ी का प्रॉब्लम ये कि मुझे आदत है स्प्लेंडर की। अभी इसका घेर आगे रहता है और मुझे स्प्लेंडर की आदत है, इसलिए घेर डालने और निकाल लेते वक्त बहुत कंफ्यूजन होता है। भाई छाँव में रुकता हूँ मैं और एक बार फुटेज चेक कर लेता हूँ, फुटेज बराबर आ रही है नहीं आ रही। तो मैंने फुटेज चेक कर लिए, ठीक है, ठीक ठाक है सब। कोई ज़्यादा वाइब्रेशन भी फील नहीं हो रहा है और वॉइस तो एकदम ठीक है। आपको कैसा लग रहा है वॉइस और जो फुटेज है वो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताओ। अभी सुबह 10:10 पकड़ के चलो कि मैं हाईवे पे हूँ। अभी ये मुंबई बेंगलोर हाईवे है। अभी गाड़ी का रनिंग पकड़ के चलो हम 5454 है, तो यहाँ से रनिंग होता है। अभी अपना किलोमीटर देखेंगे कितना होता है मुंबई का जाके आके, ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर का डिफरेंस गिरा होगा। घर से लेके यहाँ तक 1 किलोमीटर पकड़ के चलो, वो हम ऐड कर देंगे उसमें, एक नहीं तो चलो 2 तो कर देंगे। मेरे हिसाब से मैं एकदम धीरे जाऊँगा, 60 की स्पीड है, 50-60 की स्पीड से, ज़्यादा भगाने का भी ज़रूरत नहीं है। सुकून सुकून से जाऊँगा। तो भी 1 बजे तक का टारगेट रखा है मैंने कि 1 बजे तक मैं जो उनका ऑफिस है, जो मेरे फेवरेट फिल्म मेकर है उनका जो ऑफिस है, वो ऑफिस तक मैं 1 बजे तक पहुँच जाऊँ। उन्होंने मुझे टाइमिंग 3 का दिया है, तो बीच में कहीं पे थोड़ा सा ब्रेक हो जाएगा, वो ये सब पकड़ के मैं 1 से 2 पकड़ के चल रहा हूँ। अरे भगवान, जो चीज़ मुझे पसंद नहीं वही मिल गया। अरे वो ट्रैफिक में गाड़ी चलाना मुझे बहुत बोर लगता है। कितने लोग सहमत है इससे कमेंट करके ज़रूर बताओ। तो आज पहली बार मैं क्या बोलती हूँ उसे, मुंबई को जा रहा हूँ वो भी बाइक पे। या तो इससे पहले मैं 4-व्हीलर हो या फिर क्या बोलती हूँ उसे, ट्रेन हो ऐसे ही जाता था, या फिर बस हो इससे ही आता जाता था। आज पहली बार मैं, मतलब मुझे पसंद है यार बाइक राइडिंग। अभी जो राइडर है उनको समझ में आ जाएगा कि
डेस्टिनेशन में पहुंचते वक्त जब बाइक राइडिंग करते तो कितना मज़ा आता है। तो ये चांदनी चौक है, तो यहाँ से मुंबई के लिए बहुत सारी गाड़ियाँ मिलती है। ऐसे राइड्स पे सॉन्ग सुनने के लिए बहुत मज़ा आता है यार, लेकिन अभी क्या करें। आप सभी के लिए अभी मोटर व्लॉग बनाना है तो अपने पास तो गोप्रो वगैरह कुछ है नहीं, तो मोबाइल लगा है अपना वीडियो रिकॉर्डिंग में, इसलिए अभी सिर्फ गुनगुनाना पड़ रहा है सॉन्ग। यहाँ से एक अच्छी खासी स्पीड पकड़ लेंगे अपन, 50-60 ही, इससे ज़्यादा नहीं। तो इलेक्ट्रिक गाड़ी में मेरा थोड़ा खासा इंटरेस्ट है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि मुझे स्कूटी लेने का मेरा प्लान चल रहा है, लेकिन बहुत कन्फ्यूजन हूँ। इतने सारे ऑप्शंस है कि उनमें से कौन सा लेना है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन है। अगर आपको लगता है कि मुझे कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए तो वो गाड़ी का नाम नीचे कमेंट कर दो, मैं देखूँगा, अभी वो गाड़ी देखूँगा, उसके सब रिव्यू चेक करूँगा, चांस मिला तो फिर टेस्ट ड्राइव भी लूँगा। अभी जो जो ये चैनल पे नए हैं तो उनको बता दूँ मैं कि मैं प्रोफेशन से एक आर्टिस्ट हूँ। मैं जो फिल्म मेकिंग है, मैं शॉर्ट फिल्म्स बनाता हूँ, कोरियोग्राफी भी करता हूँ, और जो क्लासेस है एक्टिंग क्लासेस या फिर डांसिंग क्लासेस है वो भी मैं चलाता हूँ। मतलब मैं लेता हूँ, एक्टिंग क्लास नहीं लेता हूँ, एक्टिंग वर्कशॉप लेता हूँ। तो जो मेरा प्रोडक्शन हाउस है, पप्पाई प्रोडक्शन हाउस, तो आप एक बार उसमें जाके सब जो शॉर्ट फिल्म से वो चेक कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी मेरा जो प्रोडक्शन हाउस का नाम है वो भी सेम रहेगा, पप्पाई प्रोडक्शन बोल के। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो राइट साइड में मेरा इंस्टाग्राम आईडी दिया गया है, वहाँ पे आप जाके मेरे बायो में चेक कर सकते हो। वहाँ पे भी मैंने मेंशन किया है मेरे प्रोडक्शन हाउस को। तो मेरे प्रोडक्शन हाउस का जो मेन मोटो है, तो जो आर्टिस्ट है, जो कलाकार रहते हैं, अभी मैं मेरे जो फिल्म इंडस्ट्री है उसको उससे रिलेटेड पकड़ता हूँ मैं, कि जो आर्टिस्ट है जब शुरुआत करता है तब उसे ना नॉलेज रहता है, ना कोई सपोर्ट करने वाला रहता है, ना कोई गाइडेंस करने वाला रहता है। तो मैं जितना मैंने सीखा है तो मैं वो शेयर करने का कोशिश करता हूँ उनके साथ। तो एक्टर को मैं जो एक्टिंग के वर्कशॉप से मैं सिखा देता हूँ, जो डांसर है उसको मैं डांसिंग क्लास के ज़रिए सिखा देता हूँ। जो प्रोडक्शन हाउस का मेन काम है कि सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जिसका नाम बन जाता है उसे सपोर्ट करने के बाद, मतलब सपोर्ट करने की इतना ज़रूरत गिरता नहीं है, गिरता है लेकिन उसके जिसके पास नॉलेज रहता है सपोर्ट, जिसके पास नॉलेज रहता है तो उसका ज़्यादा ये नहीं हो सकता, क्योंकि जो नए रहते हैं वो भटकते हैं, वो तीन साल चार साल ट्राई करते हैं, उसके बाद वो बोलते हैं अरे यार मेरे से हो रहा नहीं है, कुछ तो गलत कर रहा होगा। तो उनको वो गाइड करने वाला कोई नहीं मिलता, क्योंकि ये सब मैंने फील किया, क्योंकि मैंने जब शुरुआत की थी मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था, मैंने सब खुद से सीखा है, सब चीज़ें एक एक चीज़ें जो है वो मैंने खुद से खुद सीखा है। तो मैं जितना हो सके उतना लोगों के साथ शेयर करता हूँ मैं, कि जो नए आर्टिस्ट हैं उनके साथ शेयर करता हूँ कि जो हमने सहा है, जो हमारे साथ जो जो चीज़ें हुई वो अगला आर्टिस्ट ना सहे, ये हिसाब से मैं वो सब चीज़ें करता हूँ। तो आप अगर आर्टिस्ट हो और ये वीडियो देख रहे हो तो ये वीडियो को दबा के शेयर करो, कि जो आर्टिस्ट है वो जो ये लाइन में आना चाहता है, अपना कुछ नाम बनाना चाहता है, तो उसको थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा, ये चैनल भी हेल्पफुल हो जाएगा, मेरा प्रोडक्शन हाउस है उसके थ्रू भी उसे थोड़ा प्लेटफॉर्म मिलने का भी काम रहेगा। तो अभी मैं जो क्लासेस लेता हूँ या फिर जो वर्कशॉप लेता हूँ मैं, तो उसमें रहता कैसा कि मैं वर्कशॉप जो लेता हूँ उसमें के जो अच्छे से अच्छे निखर के जो स्टूडेंट आते हैं, मतलब मैं सभी को चांस देता हूँ, लेकिन जो ज़्यादा निखर के आते हैं मैं उनको शॉर्ट फिल्म में फीचर करता हूँ, जिससे उनको एक बेस जो है उनका कि बाबा काम किया है ये दिखाने के लिए बेस भी बन जाता है उसमें। तो अभी जस्ट हमने वाकड़ जो है, वाकड़ क्रॉस किया है, मैंने कवर कर लिया है, क्योंकि 5454 पे चालू किया था, अभी वो 5470 हुआ है, मतलब वो 6 बराबर, वो 6 और ये 10 बराबर 16 किलोमीटर हो गया। अभी जो लोग ये वीडियो पुणे के बाहर से या फिर जो महाराष्ट्र के बाहर से ये वीडियो देख रहे, जो बाइकर्स है, अगर आप कभी ये रूट से जाते हो तो मेगा हाईवे पे गलती से भी मत जाओ,
क्योंकि जब जांगरा राइडर जब गोवा के ट्रिप पे से जा रहे थे तो उन्हें एक आदमी ने मिसगाइड किया था कि भाई ठीक है अलाउड करते हैं आप चलो, तो उनको आदमी ने मेगा हाईवे पे ले गया। तो ऐसा हो सकता है आपके साथ भी, इसलिए मैं आपको पहले वॉर्न कर दे रहा हूँ कि आप अगर आ रहे हो ये रोड से आ रहे हो या फिर आप महाराष्ट्र से बाहर हो, तो जो रावत वाला जो मेगा हाईवे मुंबई बेंगलोर हाईवे मेगा जो वाकड़ के आगे आने के बाद का जो मेगा हाईवे, उस पर टू व्हीलर लेके मत जाओ। टू व्हीलर हो, थ्री व्हीलर हो या फिर ट्रैक्टर हो, जो कुछ भी हो, ज़्यादातर राइडर टू व्हीलर ही रहेंगे, तो वो लोग जो है वो मेगा हाईवे पे बिल्कुल मत जाओ, नहीं तो आपको फ़ाइन गिरेगा, नहीं तो आपको फिर वो दूसरे टाइप का फ़ाइन देना पड़ेगा फिर। तो मुझे तो अभी ओल्ड हाईवे से, क्योंकि मैं जब भी आया हूँ मेगा हाईवे से आया हूँ, तो आज मेरे को भी पहली बार एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। तो मुंबई यहाँ से 136 किलोमीटर है, बनवेल 91 और लोनावला 43। अपने एकदम सुकून से जाएंगे, अपने को कोई गाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि मैं सफ़र को एंजॉय करता हूँ। जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे जाने के बाद जो जितना मज़ा मुझे मिलता है, उससे ज़्यादा मज़ा मुझे जो सफ़र है वो डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए जो बीच में जो सफ़र रहता है, मैं उसका एंजॉय करता हूँ। तो देखो ये वो रोड है, तो जांगरा राइडर को किसी ने मिसगाइड किया था तो यहाँ से वो सीधा निकल गए थे। ये मेगा हाईवे यहाँ पे बिल्कुल टू व्हीलर को अलाउड ही नहीं है, तो यहाँ से कभी भी मत जाना अगर आप कभी ये राइड से ये रोड से अगर जा रहे हो। तो टू व्हीलर्स वाले यही रोड लो, वो रोड मत लो। नहीं मुझे भी यहाँ का पर्टिकुलर सब रोड मालूम नहीं है, तो मैं भी जो बोट्स रहेंगे उनको ही पढ़ते पढ़ते जाऊँगा, तो बीच बीच में मुझे मैप लगाना पड़ेगा। तो अभी आप लोगों को लग गया है ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे, यहाँ से हमें लेना है अभी लेफ्ट। तो अभी आप लोगों ने ये रोड तो मेरे जो वीडियो है पुणे थाने पुणे उस वीडियो में आपने देखा ही होगा। अगर आपने मेरी पिछली कुछ जो वीडियो है वो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो वो पहले जाके वो सब वीडियोस देख लो और सपोर्ट करो, कमेंट किया करो यार कि आपको वीडियोस कैसी लगती है या फिर कौन सी चीज़ें मुझे अपडेट करनी चाहिए या व्लॉग को मेरे कैसे और सुधारा जा सकता है। कि मैं आर्टिस्ट हूँ, व्लॉगर नहीं हूँ, मैं ये सिर्फ अपने जो मेरा जो भाई है उसके कहने के वजह से मैं ये सब करना चालू कर दिया। कि उसने कहा कि मुझे देख ये लोग जो वीडियोस बनाते वो काम तो तू नॉर्मली ऐसे भी करता है, सिर्फ तुझे रिकॉर्ड करके सिर्फ एडिट करके डालना है, ऐसे भी तुझे ये सब काम आते ही है। तो ठीक है भाई, उसने मुझे बोला, अभी भाई ने बोला है तो करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमेशा मुझे सपोर्ट करता रहता है, उसे मेरी पूरी जर्नी मालूम है कि मैंने कैसे कैसे मैंने क्या क्या सहा है, क्या क्या मैंने कितना कितना मेहनत किया है, कैसे मैंने अपनी जर्नी यहाँ तक की, वो जर्नी कैसे मैंने पार की है। तो ब्लॉगर्स लोग भी वही करते हैं, वो घूमने वाले वीडियोस है वही एडिट करके डालते हैं, प्लस जो डिफरेंट टाइप ब्लॉगर रहते हैं तो जो फंक्शन वगैरह हो जो, तो वो तू भी करता है, सिर्फ तुझे वीडियो बना के एडिट करके छोड़ देना है। तो मैंने ठीक है चला उसकी बात मान ली, तो वहाँ से कर रहा, वहाँ से मैंने चालू कर दिया कि ठीक है जैसा जैसा हो सके जितना ना हो सके मैं ट्राई करूँगा, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए यार, थोड़ा सब्सक्राइब कर दो चैनल को, सब्सक्राइब कर दो और जो भी वीडियोस आती रहेगी वो वीडियोस देखो और कमेंट करो यार, अच्छी अच्छी कमेंट करो, कमेंट कर जो कमेंट्स आपके आते हैं वो कमेंट पढ़ने के बाद फिर मन को और खुशी मिलती है यार, चलो भाई और वीडियोस बनाएंगे। तो अभी हमें इस राइड का सबसे पहला जो टोल है वो टोल मिलेगा अभी आगे ही है, इसके पीछे सोडा पियेंगे।
तो मैं यहाँ पे एक 5-10 मिनट रुका था, सोडा पीने के लिए। तो ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, इसलिए मैं इसे 2 पार्ट में कर रहा हूँ। तो अगला पार्ट देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो, जिससे आपको वो वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा।